मूवी अरे बढ़िया, मजा आया, शानदार एक्शन देखने को मिला और जॉन अब्राहम भी जमे किरदार में। जॉन अब्राहम और तमन्ना पाटिया की जोड़ी हमें पहली बार देखने को मिल रही है, तो कैसी लगी आपको? हाँ अच्छी थी, दोनों की लव केमिस्ट्री पहली बार देखने को मिले, दोनों साथ में अच्छे लग रहे थे दोनों। तमन्ना भाटिया का भी छोटा सा रोल था लेकिन अच्छी लगी वो, काफ़ी खूबसूरत लगी। सॉन्ग भी एक फिल्माया गया था उनके ऊपर, लेकिन मेन मैं कहूँ फिल्म की यदि जान कोई है तो वो है भैया शर्वरी वाघ और अभिषेक बैनर्जी। जिस तरीके की इन दोनों ने एक्टिंग की है, जॉन अब्राहम की भी अच्छी एक्टिंग, लेकिन मेनली जॉन अब्राहम का देखेंगे तो एक्शन वगैरह ही देखने को मिलता है। और मेन जो कहानी है वो हमें शर्वरी की देखने को मिलती है कि किस तरीके से वहाँ पर अभिषेक बैनर्जी हैं, उनके वो लोग परेशान कर रहे हैं, फिर किस तरीके से वो स्टैंड लेना चाहती हैं। भैया शर्वरी जो है वो हार नहीं मानना चाहती, वो उस तरीके की एक तरीके से वुमेन एम्पावरमेंट भी फिल्म के जरिए देखने को मिलेगा। कास्ट को लेकर कई सारी चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर कई सारी चीज़ें हैं, तो ओवरऑल मैं कहूँ तो अच्छी फिल्म है। स्टोरी वाइज भी फिल्म अच्छी है, एक्शन भी फिल्म का अच्छा, और शर्वरी ने भी अच्छा एक्शन किया हुआ फिल्म में। अभिषेक बैनर्जी हमें पहली बार नेगेटिव रोल में नजर आ रहे, तो आपको कैसे लगे? हाँ अच्छा था, उनकी एक्टिंग काफ़ी अच्छी थी, मतलब वो एक्टिंग से ही भारी पड़ते हुए नजर आए जॉन अब्राहम पे, मतलब क्योंकि देखें जॉन अब्राहम अच्छे खासे बल की रखे हुए सब कुछ, लेकिन वो जिस तरीके से मतलब उन्होंने डायलॉग डिलीवर किए अभिषेक बैनर्जी ने, और जिस तरीके से वो मतलब उसके गाँव के लोगों को लताड़ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं उधर पे, वो उधर उसके पीछे पड़ गए, तो उनकी मतलब एक्टिंग में दमदार एक्टर है वो। देखेंगे तो कॉमेडी करते हुए भी हमें नज़र आते हैं कई सारी फिल्मों में, स्त्री वगैरह में हमने देखा कॉमेडी करते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल अलग अपोजिट रोल उन्होंने किया है, तो मज़ा आया, उनका भी काम अच्छा था। जॉन अब्राहम के कुछ एक्शन में कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है, कुछ नज़र अलग? हाँ जी देखिए एक्शन तो ऐसा कुछ कुछ जगह पे कुछ कुछ सीक्वेंस जो है वो आपको लगेगा कि यार ये तो हम जॉन अब्राहम की कम से कम 10 फिल्मों में देख चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ नए एक्शन सीक्वेंस भी देखने को मिले हैं। बाकी जॉन अब्राहम की एक्टिंग का जरूर मैं कहूँगा कि इसमें थोड़ी सी अच्छी एक्टिंग उनकी देखने को मिली है, जो हम पिछली फिल्म उनकी देखते हैं, नहीं तो क्या होता है उनकी एक्शन वाली फिल्में आप देखेंगे तो ज़्यादातर देखिए उन्होंने एक्शन फिल्में की, अब उनके सेम एक्सप्रेशन देखने को मिलते हैं लगभग हर फिल्म में, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो जब इमोशनल हो रहे हैं तमन्ना भाटिया वाला जो सीक्वेंस है वहाँ पे वो थोड़ा सा इमोशनल है, जब वो तमन्ना भाटिया को वो लोग ले गए वहाँ पे, उनकी भी क्या स्टोरी आप देखो फिल्म में मज़ा आएगा। तो ओवरऑल जॉन अब्राहम का भी काम अच्छा था इस बार। मूवी के सॉन्ग्स वगैरह कैसे थे? सॉन्ग्स फिल्म के अच्छे थे, ज़रूरत से ज़्यादा सॉन्ग मुझे वाकई में ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा लगा। सबसे अच्छा सॉन्ग मैं कहूँ तो ज़रूरत से ज़्यादा सॉन्ग ही था, बाकी मौनी रॉय का आइटम सॉन्ग था तो वो इतना कुछ मज़ा नहीं आया, मतलब जिस तरीके से जॉन अब्राहम की आप फिल्में देखेंगे तो बाटला हाउस हुई, सत्यमेव जयते हुई, इन फिल्मों देखिए एक्शन फिल्में थी और ये भी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर ही आई थी, इन फिल्मों में हमें नोरा फतेही का आइटम सॉन्ग देखने को मिला, तो अलग ही क्रेज़ था वो आइटम सॉन्ग का। तो यहाँ पर मतलब इतना कुछ खास नहीं लगा, ना ही विजुअली कोई सॉन्ग इतना खास था वो मौनी रॉय वाला, और ना ही कोई ऐसा म्यूज़िक वगैरह अच्छा था। तो मूवी का फर्स्ट हाफ ज्यादा अच्छा था या सेकंड हाफ ज्यादा? हाँ मैं कहूँ तो फिल्म का देखिए तो मतलब दोनों ही बैलेंस्ड से हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट हाफ ज्यादा अच्छा है या सेकंड हाफ ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिल्म देखेंगे तो सेकंड हाफ में भी कहीं कहीं पे ज्यादा एक्शन है, फर्स्ट हाफ में भी कहीं कहीं ज्यादा एक्शन है, सेकंड हाफ में भी फिल्म कई जगहों पर स्लो हो जाती है, कुछ लोग हो सकता है कि बोर भी होने लगे, तो थोड़ी सी बीच बीच में फिल्म की कहानी जो है वो स्लो होती है, क्योंकि देखेंगे तो कॉमेडी वगैरह तो फिल्म में है नहीं, आपको सिर्फ स्टोरी देखने को मिल रही है और एक्शन देखने को मिल रहा है, तो अब जिन्हें एक्शन नहीं पसंद है उन लोगों के लिए हो सकता है कि फिल्म थोड़ी सी बीच बीच में बोरियत लगे उनको, बाकी लेकिन रिकमेंडेड देखी जा सकती है। 5 में से कितने स्टार देंगे? 5 में से फिल्म को 3.5 स्टार।